नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली के 334 स्कूलों में प्रिंसिपल के यूपीएससी द्वारा बीते दिनों परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें पूरे देश के शिक्षकों ने भाग लिया और भर्ती किए गए कुल प्रिंसिपल्स में से लगभग एक तिहाई दिल्ली सरकार के स्कूलों में से है। यूपीएससी द्वारा चुने गए 334 प्रिंसिपल में से दिल्ली सरकार के स्कूलों के लगभग 100 शिक्षक और उप प्रधानाचार्य चयनित हुए। पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षक काबिज रहे, जिसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने नवनियुक्त प्रिंसिपल्स को बधाई देते हुए कहा कि हमारे नवनियुक्त प्रिंसिपल्स के पास शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों का लंबा अनुभव है। ये सभी स्कूलों की चुनौतियों और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। ये हमारे स्कूलों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करेंगे और स्कूल लीडर्स के रूप में कार्य करेंगे। शिक्षा मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये दिल्ली सरकार के लगातार प्रयासों का नतीजा है कि यूपीएससी ने अब तक के सबसे कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में प्रिंसिपल्स नियुक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी ने आखिरी बार 58 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति की थी और इसकी प्रक्रिया यूपीएससी द्वारा साल 2011 में शुरू की गई थी और ये 2015 के अंत में पूरी हुई, यानी 58 पोस्ट को भरने में लगभग 5 साल का समय लगा था। लेकिन केजरीवाल सरकार के प्रयासों का नतीजा रहा कि 24 अप्रैल 2021 को 363 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2021 थी। इसके बाद यूपीएससी द्वारा 17 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इस साल जनवरी के अंतिम और फरवरी के पहले सप्ताह में इंटरव्यू आयोजित किए गए और आज इसके नतीजे आ गए, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया 2 साल से भी कम समय में पूरी हो गई और नवनियुक्त प्रिंसिपल की संख्या भी पिछली बार की तुलना में 7 गुना अधिक हो गई। फिलहाल हमारे इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।